एसी, कूलर, फ्रिज, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, मोबाइल सब मौजूद है अंबेडकर चौराहे के सामने, पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, सभी प्रोडक्ट वो भी रीजनेबल रेट पर, एक बार जरूर विजिट करें। जी विधायक जी, आज एक बैठक रखी है कलेक्ट्रेट में, क्या बैठक है, किन विषयों को लेकर चर्चा हुई? टेक्निकल एजुकेशन के अकॉर्डिंग बैठक हुई थी पूरी, इसमें जिले के पॉलिटेक्निक कॉलेज, जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट आईटीआई कॉलेजेस को यहाँ पर बुलाया गया था, उनकी प्रगति रिपोर्ट चेक करी कि कुल कितने बच्चे कॉलेज में प्रवेश हुए थे, कितनों ने परीक्षा दी और कितने पास हुए हैं। इसमें कुछ कॉलेजों का रिजल्ट खराब आया है, एबीवीपी की भी शिकायत थी कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो है 1000 के लगभग बच्चे पढ़ रहे हैं और 350-400 बच्चे उसमें से पास हुए, इतनी बड़ी संख्या में बच्चे, इसमें लगभग 650 बच्चे उसमें फेल होने की बात सामने आई है। तो उनसे यही जानना था कि क्या कारण रहा कि पहले रिजल्ट अच्छा था और अब रिजल्ट बिगड़ा है, पेपर पैटर्न में कोई चेंजेस आया होगा या फिर एग्ज़ाम के पैटर्न में चेंजेस आया होगा या फिर शिक्षकों ने पढ़ाया नहीं होगा। तो अगर शिक्षकों के कारण अगर ऐसी समस्या आई है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जैसे छात्रावास की समस्याएं भी सामने आई और जो ट्राइबल से जो ITTP के माध्यम से जो फंड जाता है कॉलेजेस में, जैसे छात्रवृत्ति या बच्चों को पाठ्य सामग्री जो मिलती, किताबें मिलती, साइंटिफिक कैलकुलेटर मिलता है, प्रोटेक्टर मिलता है, तो उनकी खरीदी पर भी ऑब्जेक्शन आया है कि जो है थर्ड क्लास की सामग्री की खरीदारी हुई है और नियम विरुद्ध खरीदारी हुई है, आवश्यकता से अधिक कीमत दे करके सामग्री खरीदी गई है। तो उसकी भी जांच के भी आदेश दे रहे हैं कि ये बच्चों के पढ़ने के लिए शासन पैसा खर्च कर रही है, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए इसमें। तो अच्छी सामग्री खरीदने के लिए उनको अभी कहेंगे हम लोग और उसके सैंपल बुलाए हैं, जो सामग्री उनके द्वारा बुलाई गई है कि मार्केट रेट और इनके रेट में कोई अंतर तो नहीं है, क्या कि जाँच के आदेश अभी दिए हैं मैंने। साथ ही रिजल्ट सुधारने के लिए कुछ कॉलेजों में जो है एडमिशन भी कम हुआ है, तो हम लोग उनका अपने स्तर पर प्रचार करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ITI की पढ़ाई करने के लिए यहाँ आए, क्योंकि हमारे यहाँ जब से नेशनल हाईवे बना है तो इंडस्ट्रीज़ अब ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आएगी। जैसे रुदी का बाईपास भी पास हो चुका है तो रुदी इंडस्ट्रियल एरिया एकदम से प्रोग्रेस पकड़ेगा, दिसगांव में भी इंडस्ट्रियल एरिया डलने वाला है, बोरगांव में इंडस्ट्रियल एरिया डलने वाला है, हाईवे से 2-4-5 किलोमीटर के दायरे में लगातार कुछ ना कुछ इंडस्ट्री अब डलते रहेगी। अब अगर लोकल की इंडस्ट्रीज है और बाहर के बच्चे आकर के काम करें और लोकल के बच्चे अगर बेरोजगार रहें तो ये भी बात अच्छी नहीं है। इसलिए हम ITI के माध्यम से जो वहाँ के कर्मचारी है, जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो वर्कर्स होंगे, उनको हम लोग तैयार करेंगे और यहीं के हैं, उनको जॉब मिल जाए, उनको पीथमपुर या इससे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, बच्चों को लोकल में रोजगार के लिए ITI और पॉलिटेक्निक शिक्षा के ऊपर हमको विशेष जोर देना पड़ेगा और बच्चों को यहाँ पढ़ाई के लिए आकर्षित करना पड़ेगा ताकि उनको स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिल जाए, बाहर से ट्रेंड बच्चों को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़े। कौन कौन से विभाग के अधिकारी मौजूद थे इसमें? जो है डूडा के अधिकारी थे, उद्योग विभाग के अधिकारी थे, रोजगार विभाग के अधिकारी थे, ट्राइबल के अधिकारी थे, पॉलिटेक्निक और ITI कॉलेज के अधिकारी सभी उपस्थित थे। एसी, कूलर, फ्रिज, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, मोबाइल सब मौजूद है अंबेडकर चौराहे के सामने, पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, सभी प्रोडक्ट वो भी रीजनेबल रेट पर, एक बार जरूर विजिट करें।